Hi all and welcome back to our channel Coffee Pie. I am Muskan. And I am Akshay. और हम ये हमारा नेक्स्ट ट्रिप है जो हमने प्लान किया है टूर्स थिएटर के साथ, जिसके थ्रू हम पहले मॉल्डीव्स होकर आए थे. तो अगर आपने हमारा मॉल्डीव्स वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप पहले वो भी देखें और ये भी देखें. हाँ, तो हम स्पेशली कहाँ जा रहे हैं अब? बाली. आपने कैप्शन में पढ़ लिया होगा. काफ़ी टाइम से ये डेस्टिनेशन हमारी बकेट लिस्ट में थी, तो हम कोशिश करेंगे कि कितना एक्सटेंसिवली उसको कवर कर पाएँ, और जितना डिटेल में कवर कर पाएँ आप लोगों के लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा. तो जो हमारा ट्रिप है वो रहेगा 8 nights का ट्रिप. काफ़ी लंबा है वी नो, बट हमारा मेन रीज़न यही था कि हम जितनी जगह हो सके उतना कवर कर सकें, आप लोगों को उतना ही हेल्पफुल रहे जैसे मॉल्डीव्स रहा था, और खुद भी उतना ही ज़्यादा इन्जॉय कर सके. सो होपफुली गाइज आप लोग भी ये ब्लॉग इन्जॉय करें. सो अब हम चलते हैं क्योंकि फ्लाइट का स्टेटस आ चुका है, तो हमारा चेक इन टाइम हो रहा है. सो कीप फॉलोइंग. तो जिस एयरलाइन से हम ट्रैवल कर रहे हैं वो है वियट. एक किलो कम है इसमें, 20 हो सकता है. बोर्डिंग पास मेरे पास है. तो हमारी बोर्डिंग क्लियर हो चुकी है, हम फ्लाइट में बैठे हैं. उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो हम आपको बताना चाहेंगे, पहली है कि आपको अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स यहाँ पर शो करने पड़ेंगे. तो आप अपने फ़ोन में उनको कैरी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बोर्डिंग पास इशू होने के टाइम पे वो चेक करेंगे. तो इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग एक QR कोड साइन करेंगे, जो आपको स्कैन करके एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है. तो उसका पर्पज़ ये है कि वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपसे मांगा जाएगा एट द टाइम ऑफ बाली, जब आप वहाँ पर अराइव करेंगे इमिग्रेशन पे, तो वो भी भरना ज़रूरी है. और अब अपनी फ़्लाइट के बारे में बता देते हैं, हम जिस फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं वो है वियत जेट एक्सप्रेस. ये एक वियतनामीज फ़्लाइट है. हमारी फ़्लाइट का डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है बाली पे, तो एक लेओवर है वियतनाम पे, और कोई एयरपोर्ट है जिसका नाम हो चिन मिन कुछ करके एयरपोर्ट है. वहाँ पर हमारा 3 hours का लेओवर है, और उसके बाद वहाँ से हमारी फ़्लाइट है बाली की, और हमें दोनों बोर्डिंग पासेस यहीं पर इशू हो चुके हैं. तो इसमें फाइनल पॉइंट अब ये है कि आपके जोन से भी पोर्टेबल चार्जर्स हैं या एक्स्ट्रा बैटरीज है, तो उसको आप अपने कैबिन पैकेज में ही रखें, और क्योंकि वो चेक इन पैकेज में नहीं जा सकते. तो मेक श्योर करना कि ये सब आप जो हर फ्लाइट का रूल होता है कि आप वो अपने कैबिन बैगेज में कैरी करें. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वियतनाम. कुछ सुनाई नहीं दे रहा. अभी हमने लैंड किया है हो चिन मिन, जो वियतनाम में है. एक इशू था, मतलब इशू क्या जो भी इनके वो हैं, कि पानी जो था वो पेड था. आई थिंक बजट डिटेंस थी तो इस वजह से, तो बाकी ओवरऑल ठीक है. एक्सपीरियंस ओके है. जो रिव्यूज़ हम पढ़ के गए थे कि एयरलाइन ज़्यादा अच्छी नहीं, मतलब अच्छे रिव्यूज़ नहीं पड़े थे, बट ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हमने टच वुड जब तक हमारा लगेज हमको नहीं मिल जाता. तो अभी 3 hours का लेओवर है, और आफ्टर दैट विल बी बोर्डिंग आवर फाइनल फ्लाइट फ्रॉम हियर टू बाली. अभी हमारा लेओवर चल रहा है, तो हमने साइगॉन कैफे से ऑर्डर किया है, विच इज़ दिस कोल्ड कॉफी, जो कि थोड़ी डार्क है बट अच्छी है, और ये $4.7 की है. अक्षय ने ऑर्डर की है ये, गिरा मत दियो भाई, बस $4.7 की है. और ये मफिन, बनाना मफिन, जो कि अच्छा है, और $4 का है. ऑल्सो यहाँ पे बाली की करेंसी जो कि रुपया है वो नहीं चलती है, यहाँ पर वियतनामीज करेंसी चलती है या फिर डॉलर चलता है. तो इट्स बेटर कि आप डॉलर जरूर लेकर आए अपने साथ ऑल्सो, या फिर आप क्रेडिट कार्ड लेकर आए. चलो, वेरी गुड. क्या व्यू है,
The flight time is 3 hours and 30 minutes and we'll be cruising at an altitude of 33,000 feet. If you need any assistance, please don't hesitate. So we have just arrived at Bali Airport. Airport ka naam hai Denpasar Airport. और बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर. तो अभी अभी हमने जस्ट अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाया है और अब हम जा रहे हैं वीजा के लिए जो कि ऑन अराइवल है. उसकी कॉस्ट कितनी है इंडियन रुपीज में? आई थिंक अराउंड 2500. Now this is the line for immigration. So crowd देखते हुए लग रहा है कि काफ़ी time लग जाएगा हमें. So हमारा immigration and everything got cleared. हमने अपना luggage भी collect कर लिया है और बहुत ही basic questions पूछे. पता होना चाहिए आपको आप किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, पर्पस ऑफ विजिट और कहाँ पे रुक रहे हो, कितने नाइट्स के लिए रुक रहे हो. तो इसे बात को पता होना चाहिए. मुझे तो ये पूछा कि करीना कपूर आपकी रिलेटिव तो नहीं है? हाँ, क्योंकि और ये बड़ा हंस के हाँ 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 करके बातें कर रहा था. और अक्षय को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भी विश करा. मतलब काफ़ी ऑब्जर्वेंट और फ्रेंडली थी वो. तो अब यहाँ पर वो चेक होगा जो डिक्लेरेशन फॉर्म हमने भरा था और जो हमें QR कोड मिला था. टू स्क्रेटर ने ये चीज़ हमारे लिए अपने आप ही कर दिया था. तो अभी हमें होटल पहुंचने में अराउंड 30 मिनट्स लगेंगे. सो हमें अभी गार्लैंड्स के साथ वेलकम किया गया पूरे एयरपोर्ट पे. सिर्फ मुझे लग रहा है हम दोनों को ही पहनाए हैं. द एपिसोड होटल, इज देयर अ मार्केट नियर बाय? यस, ऑल बाय वॉक डिस्टेंस देयर. ओके ओके, इट्स रियली इजी टू फाइंड समथिंग. सो हमने अपना सिम कार्ड यहाँ से परचेज करा है. एयरपोर्ट के एकदम साथ ही है मार्केट और बहुत सारी मार्केट्स हैं. तो जो हमारे ड्राइवर हैं वो हमको यहाँ ले आए थे. और जो सिम हम ले रहे हैं वो है टेलकॉम सेल, वन ऑफ द बेस्ट जो यहाँ पर इन लोगों ने हमें बताया. और ये बाली के एयरपोर्ट के एकदम ही सामने है. जैसे आप एग्जिट करोगे तो आपको दिख जाएगा. तो ये फिगर आप देखोगे उसके जस्ट ऑपोजिट है. सो वी आर परचेजिंग दिस टेलकॉम सेल 18 GB सिम. सो इट विल बी वैलिड फॉर 10 डेज. लाइक द डेटा वुड बी इनफ फॉर 10 डेज. तो यहाँ पर उन्होंने हमसे हमारा पासपोर्ट मांगा. दैट्स इट. Our room for next 4 days. तो ये बहुत ही different तरीके का कमरा है. यहाँ बेड है और यहाँ पे हमारा wash basin area है और यहाँ पे हमारे toilets हैं. अच्छा, यहाँ तो ज्यादा देर नहा भी नहीं पाओगे. हाँ नहीं, यहाँ पे नहीं नहा पाओगे. ये हो गया सारा. यही कॉफी बनाओ, यही मुंह धो लो. इट्स अ बजट स्टे. हाँ, मतलब एक्चुअली हेलो, मतलब एक्चुअली बाली में आप लोग बाहर घूमेंगे तो आई थिंक ये बजट होटल है और उस हिसाब से बहुत अच्छा डीलक्स रूम है ये. और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है? हाँ, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है. बड़ी छोटी सी बात नहीं है, इसमें सिर्फ 2 लोग खड़े हो सकते हैं.
हेलो एवरीवन, सो अभी हम फ्रेशन अप होके थोड़ा रेस्ट करके हम होटल के ही रेस्टोरेंट में आए हैं टू हैव डिनर, क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया हुआ है. लंच वैसे तो हाँ, लंच डिनर के लिए तो अभी जाएंगे ना, पता नहीं डिनर का ही 7:15 हो रहे हैं. वैसे तो हम कुछ खाने के लिए आए हैं, जिसको लंच का हो डिनर का हो. तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि पहले यहाँ थोड़ा कुछ खा लें, फिर यहाँ पर पास में एक बूटा मार्केट है तो वहाँ पर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और अगर वहाँ पर भूख लगी तो वील ट्राई समथिंग न्यू. तो अभी तो हम ये होटल के ही रेस्टोरेंट में आए हैं, खाली है पूरा. तो अभी खाना आ जाए तो हम बताते हैं हमने क्या ऑर्डर करा है. बिटर बैलेंस ऑर्डर करा है, जो कि कोई चिकन की डिश है, और स्प्रिंग रोल्स ऑर्डर करें. स्ट्रीट है, इसका नाम है पंताई कूटा. और हम यहाँ से हमने होटल से कैब करी थी, हमारे कौन सी ऐप यूज करी थी, गोजेक ऐप है. तो रिलायबल ऐप है टू ट्रैवल अराउंड बाली विद रीजनेबल रेट्स एज़ वेल. तो हम एपिसोड होटल से यहाँ पर आए हैं इन अबाउट 17,000 रुपया. तो इंडोनेशियन रुपया. और जो लोग भी हैं, ड्राइवर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं, उन्होंने हमें सारा लोकल समझा दिया कि यहाँ पर खाना अच्छा है, यहाँ पर आप जा सकते हो. तो काफ़ी हमें हेल्प मिली आगे का प्लान करने के लिए. और अच्छी मार्केट है, बेसिकली काफ़ी लंबी स्ट्रीट है पंताई कूटा. हाँ नहीं, पंताई कूटा यहाँ कॉर्नर से ही स्टार्ट हुआ. अच्छा, उससे पहले की भी जो स्ट्रीट जो पंताई कूटा तक आती है काफ़ी लंबी स्ट्रीट है, और काफ़ी सारे कैफेज हैं. हाँ, वहाँ बहुत सारे कैफेज थे, बहुत अच्छे भी थे, बट हमने यहाँ की डेस्टिनेशन डाली हुई थी, हमने सोचा चलो फिर यहीं से देखते हैं. तो इधर भी बहुत अच्छे, अभी हम दिखाते हैं आपको, काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत क्राउड है. अच्छा, देयर इज पिज्जा एंड बीरा किचनेट स्टारबक्स. तो ये पूरा मॉल ही है, मॉल का पार्ट है पूरा ना. तो यहाँ पे अगर आप टू व्हीलर से आए हैं तो मेरे ख्याल से ये पार्किंग है उसकी, तो आप पार्क कर सकते हैं. पे वो है बीच, कूटा बीच. कूटा बीच है, क्योंकि अब अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देगी. तो ये बीच वॉक मॉल है, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर जो हम दिल्ली में भी देखते हैं, बट जो मॉल है बना बड़ा अलग स्टाइल में हुआ है, लाइक ओपन है. तो अभी हम बीच वॉक मॉल से यहाँ पर वॉक करते करते आए हैं. तो ये वो जगह है DI पंताई कूटा, और यहाँ पे ऐसे कार्ट्स भी चलते हैं. तो ये थोड़ा एरिया मुझे पीछे के कंपैरेटिवली बेटर लगा जब हम कैब से आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर्ड टू बीच वॉक के साथ जो कैफेज़ हैं. तो अब हम डिनर के लिए बैठे हैं यहाँ पे, डॉल्चे वीटा रेस्टोरेंट है बीच वॉक मॉल से, यहाँ का वॉकिंग डिस्टेंस अराउंड 15 मिनट्स का. ये एक इटालियन रेस्टोरेंट है और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है, कूल सा. और तो हमने यहाँ पे पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, बॉम्बे पिज्ज़ा एंड लेमन आइस. हमारा बॉम्बे पिज्जा इन बाली अक्षय फुल फॉर्म में. कैसा है? टेस्टी बट स्पाइसी. So thank you guys for watching this video. More videos are coming soon, so stay tuned to Kaplify.